इसराइल के हालात देखते हुए वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई इस ऑपरेशन के तहत इसराइल से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी जहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया चार्टर विमान से भारत लाए गए यात्रियों के चेहरे पर वतन वापसी को लेकर खुशी देखी गई अपनी सुरक्षित भारत वापसी पर उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया वहीं इसराइल से ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीय नागरिकों को लेकर आ रही पहली उड़ान में यात्रियों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए